है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुकेस ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हुए हैं महाराजगंज के श्री बालाजी मल्टी ब्रांड शोरूम में, और आज हम जानेंगे एक नया फ़ोन आया है जियो नेक्स्ट फ़ोन, उसके बारे में कितना में मिल रहा है, मार्केट रेट क्या है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल मिलेगा आपको मेरे वीडियो के थ्रू अगर लेते हैं तो आज हम यहीं पे आपको बताएंगे कि कितने का मिल रहा है मार्केट में और यहाँ पे आपको कितने में मिलेगा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत सस्ता फ़ोन है वो। तो शुरू करते हैं पर सब लोग बिना टाइम वेस्ट किए, आप लोग इस पे अपना प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं श्री बालाजी मल्टी ब्रांड शोरूम, जो कि महाराजगंज में है, सब्जी मंडी के ठीक सामने। और ये देखिए, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं यही मेन गेट है अंदर जाने के लिए। उसके नीचे आप लोग देख रहे हैं जियो फोन नेक्स्ट, जिसका हम बात करने वाले हैं, वही फ़ोन के बारे में लिखा हुआ है, जिसका प्राइस ऊपर लिखा हुआ है 7,299 रुपीज़। और अभी देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं अब, और ये देखिए ये पूरा दुकान आप लोग देख रहे हैं आगे, ये पूरा शोरूम देख रहे हैं, पूरा फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन सब है, एसी है ऊपर, इधर होम थिएटर है, और फिर आगे आप लोग देखिए पूरा एसी लगा हुआ है, नीचे कूलर है, आगे होम थिएटर है, फिर और उसके बाद ये देखिए आप लोग ये एसी है, फिर इधर ये काउंटर है यहाँ पे जो कि बात वोत होता है, ये सब काम होता है, फिर ये देखिए ऊपर का, और ये फिर इधर मोबाइल बिकता है। सो अभी मतलब 2 महीने हुए एक जियो का फ़ोन लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, जो कि बहुत ही सस्ते में हुआ स्मार्टफोन है। तो हम उसका प्राइस जानते हैं, क्या फीचर्स है वो जानते हैं भैया से। तो सबसे पहले भी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार पड़ेगा। इस फ़ोन में क्या क्वालिटी है जो कि नया फ़ोन आया जियो का रिलायंस कंपनी का? देखिए ये फ़ोन आपको 2 महीना समथिंग हो गया कि इस फ़ोन को लॉन्च किए हुए, बट इसका पहले प्राइस था आपको 6599 जी। तो अब इसको कंपनी ऑफर के, इसको मतलब ऑफर के में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कि ये मान लीजिए फ़ोन पहले इतना ही मिलता था, अब इस कंपनी को ने इस पर ऑफर रखा है कि अगर मान लीजिए अगर मार्केट से यही फ़ोन अगर ले रहे हैं, मार्केट प्राइस आपका पड़ेगा 4500 रुपये, ठीक है। और मेरे वीडियो थ्रू लेगा कोई तो, ये आपके वीडियो के थ्रू कोई आता है तो 3999 में मिलेगा, मतलब 4000 में, 500 का डिस्काउंट, 500 का डिस्काउंट। वो आपको कोड यूज करना पड़ेगा, आगे मैं दे दूंगा स्क्रीन पे कोड, वो आप आके बताएंगे तो आपको 500 का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। इसका फीचर्स बताइए। इसका फीचर ये है कि आपका ये 232 है ठीक में, और इसमें आपका रैम भी अच्छा है, 232 है, और इसमें 2 सिम आप यूज कर सकते हैं, 3500 mAh का बैटरी है, डुअल सिम भी लगा सकते हैं, इसमें सारी आपको फैसिलिटी मिलेगी। और एडिशनल इसमें प्रोसेस ये है, एडिशनल फीचर कि आप अगर कोई व्हाट्सएप आपको कर रहा है, मान लीजिए कि हम आपको मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आप उस मैसेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस मैसेज को ये रीड करके बता देगा आपको, ट्रांसफर करके बता सकता है। और दूसरी फीचर ये है कि इसमें नाइट मोड कैमरा है जी। और तीसरी फीचर ये है कि मान लीजिए कोई हम कोई मतलब चीज़ है ठीक है, उसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको ये लिखा हुआ है ठीक है, ये जियो फोन नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कि जियो फोन नेक्स्ट लिखा हुआ है तो हमको पढ़ने नहीं आता है, तो हम इसको कैमरा करेंगे तो मेरे को ट्रांसलेट करके वो बता देगा कि हाँ ये लिखा हुआ है। इसमें सारी इजीएल, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको कोई चीज़ पढ़ने में या कोई आपको व्हाट्सएप कर रहा है तो उसको समझने में सारी आपको। इसका फाइनेंस होगा कि नहीं? इसका देखिए फाइनेंस है, बट इसको फाइनेंस करने के बाद ये है कि मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपको 2500 रुपया इसको देना पड़ेगा जी, ठीक है। और 2500 देने के बाद आपको इसमें 3 टर्म कंडीशन है जी। पहला टर्म कंडीशन है कि आप एक मतलब 3 कंडीशन ये है कि उसमें आपको ईजी जो है 239 का हाँ। वो इंक्लूड करके आपको देगा ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि आपको अगर मान लीजिए कोई रिचार्ज कराता है, कोई नहीं रिचार्ज कराता है, तो उसमें आप पहले फाइनेंस पे ले रहे हैं तो रिचार्ज कराए या ना कराए उससे मतलब नहीं है, वो आपको उसमें इंक्लूड कर देगा अभी, हाँ रिचार्ज इंक्लूड कर देगा, एक 500 का है हाँ। तो हमको देखने से कि फाइनेंस में करिएगा तो ये 11000 के समथिंग पार हो जाएगा जी, ये 11000 के आसपास पार हो जाएगा, क्योंकि आज अठारह महीना के हो रहा है, तो 18 × 5 आप 500 के हिसाब से जोड़ लीजिए और 2500 रुपया एडिशनल। अच्छा, मतलब आपका रिचार्ज होते रहेगा? हाँ रिचार्ज होते होगा, आप यूज कीजिए तो नहीं कीजिए। अच्छा। ये है। और इसमें जो अभी फ़ोन लेंगे तो उसमें पहले से भी सिम है कि नहीं? नहीं, इसमें पहले से आपका सिम नहीं है, पहले आपको सिम इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें फ़ोन मिलेगा, आपको बैटरी मिलेगा इसमें। क्या इसमें आप देख लीजिए, इसका फीचर लुक देख लीजिए, इसका
और साइड से देख लीजिए और पीछे बैक है, ये कैमरा वमरा लुक ओक जियो का है, ऊपर ऑडियो जैक है, इसमें ये एयरफोन वाला है जी, और इसमें सब सारे फीचर, इसमें बैटरी भी अच्छा 350 mAh का बैटरी है, बैटरी अटैच नहीं है, बैटरी इसमें है कि आप निकाल के भी लगा सकते हैं कोई वो तो, और सब फोन में, और आपका चार्जर है और अडैप्टर वगैरह सब कुछ है डाटा के बाद। इसमें कोई दूसरा सिम लगेगा कि नहीं? इसमें दूसरा भी सिम लग सकता है, दूसरा सिम लग सकता है कोई भी जी, एक जियो का लगेगा और एक ट्रेडिशनल। और इसमें एक है कि मान लीजिए, देखिए ये है कि हम गूगल क्रिएट विथ गूगल, ये गूगल के साथ टाइप है, एक सबसे बड़ी बात है कि गूगल के साथ आपको टाइप है, ठीक है। गूगल एक जानी मानी भी है हमारे इंडिया का, और सबसे मतलब इंडिया का वो है, और दुनिया के सबसे स्मार्ट, सस्ता और सबसे मतलब चीप रेट का ये फ़ोन आपको मिलेगा। हाँ, ये निकालिए तो ये फ़ोन आप लोग देख लीजिए, सबसे सस्ता फ़ोन है अभी तक का, और 3,999 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो के थ्रू आइएगा तो। और आगे का आप लुक देख लीजिए, कैमरा देख लीजिए, 13 MP का बैक कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, और ये नीचे का देख लीजिए, साइड का भी अच्छा फ़ोन है। धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे, और जियो नेक्स्ट फ़ोन आपको लेना हो तो यहाँ पे आके ले सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और मतलब अच्छा फ़ोन है, सस्ते रेंज में, इतना सस्ते रेंज में कोई भी कंपनी अभी तक चाइनीज़ कंपनी भी नहीं बनाई है, ये तो इंडिया का प्रोडक्ट है। तो आप लोग एक बार यहाँ पे आइए, मिलने का पता है बालाजी मोबाइल महाराजगंज मल्टीब्रांड शोरूम है, और यहाँ पे आके VPS ब्लॉक्स का मतलब VPS का एक कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आके यूज करिएगा तो 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।